हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, अभी जिस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, उस शेयर में बहुत ही ज्यादा बड़ा उछाल देखने को मिला है। आप सभी ने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। और गाइस, ये तेजी मैंने कल शाम को ही आपको बता दी थी। मैंने आप सभी को, जिसके पास भी शेयर है, उसको पहले ही खुशखबरी दे दी थी कि आपकी लगने वाली है कल लॉटरी। हाँ जी गाइस, कल मैंने वीडियो बनाई थी रात में 8 बजे, जहां पे रिजल्ट्स आने के बाद मैंने आपसे कहा था कंपनी के बहुत ही ज्यादा शानदार रिजल्ट्स आए हैं। NMDC और BEL दोनों की बात करी थी, लेकिन BEL के बोला था स्पेशली कि बहुत ही ज्यादा शानदार रिजल्ट है। और शेयर था 151 पे, जिसमें शेयर का 52 वीक हाई 160 का था। मैंने आपसे कह दिया था कि जिसके पास भी शेयर है वो गलती से भी ना बेचें, शेयर अपने 52 वीक हाई की तरफ दोबारा जाएगा और 160 के लेवल्स के करीब आएगा। लेकिन शेयर उम्मीद से भी ज्यादा रिटर्न दे गया है। शेयर ने अपना हाई लगा दिया है आज 168 का, यानी कि 14% के करीब की इंट्राडे तेजी देखी गई। हालांकि ऐसे में मैंने ये भी कहा था कि न्यू फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि शेयर गैप अप खुलेगा 151 पे है, 156.7 के करीब खुलेगा, वहां पे बिल्कुल भी नई एंट्री ना लें, क्योंकि 52 वीक हाई के पास हो जाएगा। लेकिन शेयर गैप अप तो खुला, शेयर ने ओपनिंग दी 155 की, उसके बाद मार्केट करेक्शन के साथ शेयर भी नीचे आया और शेयर ने आपको फिर से मौका दिया, 152 के लेवल पे शेयर आ गया। ऐसे में जिसने भी कर ली होगी बाइंग, उसकी तो लग गई लॉटरी। हाँ जी गाइस, मैं बता दूं कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। स्टार्टिंग में गैप अप खुली, मार्केट भी, शेयर भी गैप अप खुला, उसके बाद मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग, शेयर में भी। लेकिन उसके बाद मार्केट का मतलब बिल्कुल हट गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से कहा मैं तो अब जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे आए नतीजे बहुत ही ज्यादा शानदार। उसके बाद 152 पे शेयर थोड़ी सी देर कंसोलिडेट करा और फिर जो तेजी आई शेयर में, पीछे मुड़के नहीं देखा शेयर ने बिल्कुल भी। हाँ जी गाइस, शेयर ने कंटिन्यू रैली दिया 153 के लेवल से 166 तक की, उसके बाद हाई लगाया 168.50 का, जो कि इसका 52 वीक हाई भी लग गया है। तो गाइस देखिए, सीधी सीधी बात है, मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि फ्रेश एंट्री बिल्कुल ना करें, क्योंकि गैप अप खुलेगा। लेकिन नीचे आया गैप अप के बाद, उसके बाद आपको मौका दिया। लेकिन अब आप बाय करने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या है मेरी राय। देखो, मैं वीडियो बनाता हूँ गाइस, वीडियो बनाने के टाइम क्या है, मैं जो भी बोलता हूँ आप ध्यान से नहीं सुनते। आप क्या करते हो कि भाई बढ़ेगा तो खरीद लो, मैंने बढ़ेगा बोल दिया तो आप खरीद लोगे, लेकिन मैं जो लेवल्स बोलता हूँ उन पे भी जरा ध्यान दिया करिए। ये मेरी स्पेशली आप सभी से रिक्वेस्ट, आप लोग लेवल्स पे भी ध्यान दीजिए, जो बोल रहा हूँ उस पे भी ध्यान दीजिए। बस ये नहीं कि बढ़ेगा बोल दिया तो आप बाय कर ले रहे हो, फिर आप कमेंट कर रहे हो। तो मैंने फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल मना करी थी। इनफैक्ट 156 55 पे गैप अभी खुले तभी मना करी थी, अब तो 164 पे आ गया है, तो बिल्कुल भी राय नहीं है न्यू एंट्री की। क्योंकि गाइस, शेयर में कहीं ना कहीं जितनी तेज भाग रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आएगी, क्योंकि बहुत से लोग तो होंगे जिन्होंने कल पैसा लगाया होगा आज की तेजी के लिए और अपना पैसा लेके जाएंगे। ठीक है, हर कोई इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करता, ये आप सभी को अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए बात। तो अभी बिल्कुल नई फ्रेश एंट्री के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, ये भी आप ध्यान से सुना करिए प्लीज गाइस। अब बात करते हैं जिनके पास पोजीशन, भाई उनका तो हो रहा है बहुत ही बेहतरीन फायदा। ऐसे में 168 का हाई लगाया है शेयर ने, 168.50 का, अब उनके लिए क्या है मेरी राय। तो भाई जैसा मैंने आपसे कहा था, आपकी तो लगने वाली है लॉटरी, जैसा लगती हुई दिख रही है। अब आगे की रणनीति मेरे हिसाब से 152-153 के करीब लगा लीजिए आप SL। अगर उसके ऊपर बाएंगे तो ऐसा SL लगाइए जहां पे आप बाय प्रॉफिट में निकल जाएं, जो कि शेयर फिर 150 के लेवल्स के करीब आएगा, तो उठा लेना जितना मर्जी आपका मन करे। लेकिन अभी एक ऐसा SL जरूर रखिए जिसमें आपका शेयर वहां तक आए तो आप प्रॉफिट में ही निकले। अगर बात करें आज की, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शेयर में अभी जान बाकी है। मुझे लगता है 3 बजे के बाद दोबारा से अप ट्रेंड में शेयर आएगा और शेयर 15-20% के रिटर्न के साथ बंद हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप अभी जाके बाय कर लो, ठीक है, फिर कहो कि भाई शेयर तो गिर रहा है। मैंने पहले ही बोला कि शेयर नई एंट्री बाइंग के लिए तो भाई बनानी है 150 से के लेवल के आसपास। लेकिन जिसके पास पोजीशन है वो अभी बेचने की सोच रहा है, तो वो ऐसा SL रखे अपना कि भाई उसका प्रॉफिट रहे। जैसे आपने 155 पे बाय कराया तो 160 का SL रख लीजिए। अगर 160 तक नहीं आता तो भाई ऊपर जाने की तो मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी 160 पे लगाइए। अगर बाई चांस नीचे आता है तो आपको तो भाई फायदा में निकल जाओगे, ठीक है।
लेकिन अभी बने रहने की राय है 160 का एसएल, जैसे मैंने आपसे कहा प्रॉफिट के पास एसएल लगा लीजिए। शेयर मुझे लगता है 170 के लेवल्स पे एक दो दिन में ही आ जाएगा, या तो आज ही या कल आ जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं है आप नई बाइंग कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नई बाइंग 150 के पास ही करनी है, चाहे शेयर बढ़ता जाए लेकिन आपने दूर ही रहना है। आपने बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं कि शेयर बढ़ता जाता है तो आप बाय करते जाते हो, फिर गिर जाता है तो फिर आप फंस जाते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज बढ़ते हुए शेयर में हाथ मत लगाइए, इन्वेस्ट इन रेड एंजॉय द ग्रीन, वॉरेन बफेट जी कहते हैं ये। तो अभी ग्रीन में है तो इसे जिनके पास पोजीशन हो इसे एंजॉय करने लिए, जब नीचे आए तब आप लोग बाय करिए। तो बस यही है मेरी राय। BEL पे 163.95 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भाई, वॉल्यूम्स देखो आप, इतने हैवी वॉल्यूम्स हो गए आज, 15 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम, इसके मुकाबले आज 95 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 6-7 टाइम्स से भी ज्यादा। तो ऐसे में अगर डिलीवरी भी अगर आ गई बेहतरीन तो कल भी शेयर में 5-6% की तेजी बन सकती है। तो भाई जिसके पास पोजीशन है वो जरूर बने रहे। मुझे जैसा लगता है कि एक स्पाइक अभी रह रहा है शेयर में आज के दिन ही। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद हल्का सा स्विंग नीचे की तरफ आया फिर भागा, ऐसे ही टॉप बनाने के बाद हल्का सा स्विंग नीचे जा रहा है फिर भाग सकता है चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो मुझे यही लग रहा है। और नीचे कहां तक आ सकता है, 162 तक, 162 के पास आने का दोबारा भाग सकता है शेयर, अभी 164 पे चल रहा है। तो बस आप अभी प्रॉफिट को इंजॉय करिए, जल्दबाजी मत करना निकलने की, एक ऐसा ले लेना बस अपने प्रॉफिट से ऊपर का। तो ये मेरी वीडियो BEL शेयर पे, होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।